हाय स्टूडेंट, केनता अच पिले आ सब भल भल। तो पिले आज आम कोर थ्री रो यूनिट वन रो पार्ट इलेवेन भिड देखमा। जदि पार्ट टेन भिड नहीं देखबार देन तुम्हें देखी दियो हला। तो आज काना काना पढ़मा देख, आज पढ़मा फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहाँकि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे एफ इक्वल टू फोर्स बाहर करमु पी डॉट डेल ब्रैकेट दिगरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आ गोटे पढ़वा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी देन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, बुझेगा। देन आ गोटे पढ़वा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर, जहाँकि फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू, बुझिपालनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर माने वार्डन बाहर करमु थ्री बाय फाइव क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, बुझेगा। तो ये तीन टा पॉइंट के आज आम कवर करमा। तो फास्ट देख फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे तुमको डायरेक्ट नोट रू ही बुझे दूचे, खाली डायग्राम मैंने टी कर रफली टी बुझेदेवि है। तो फास्ट देख यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिते बिल आम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट के पढ़ुचे है, ये पॉइंट के आगे पढ़ी दूचे फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बुझेगा। तो इनु फोर्स तो जानी छ, टॉर्क बेले का पिले ना तुम क्या ना रोटेशनल मोशन करावा सेटाला टॉर्क, माने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, बुझिपाल कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस सेटाला टॉर्क रो फॉर्मूला। तुम डेली लाइफ रे देख ना इटा है तुम वाल मान कांथ, इटा तुम क्या है वाल कांथ है। तो इन्हें कण लगे ना तुम कबाट लगे, कण लगे कबाट इमाजिन कर है इतक देखी सारापुर तुम एवं मान कण प्राक्टिकाल भी करब है। तो यहाँ डोर तो इन्हें लगी कण गोटे लगी एम धरवाटा खिचवाटा गोटे है। तो तुम्हें जदि इन्हें जदि टच करब, इन्हें जदि टच करब बोले मोशन हेते नहीं करे है, टी टाइट लगवा तुमके भी बुझिपाल टे का लगवा टाइट लगवा हेतक नहीं है, जस्ट इटा वाल ने लगे इ पाखे तुम जदि टच करब बुझेगा कि नहीं देन तुम क्या लगवा टाइट लगवा, बुझेगा। बट डोर रि पाखे करब जेन धरवाटा कि तुम जेन लगी एंदाटा गोटे लगी सिलिंडर हो क्या गोटे लगी खुलस धरी कर से लोग जदि टच मैंने फोर्स देव इन्हें कण टच मैंने इन्हें जब फोर्स देव मैंने बहुत मानते हेते मोशन नहीं कर बहुत टाइट लगवा। बट इन्हें जब तुम जस्ट टिके एम फोर्स देव ना सी कण करवा आगे जीवा, बुझा लगे कण जीवा आगे जीवा आगे जीवा। तो फोर्स देल आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जिते परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ हवा से मोशन कर पार्बा इन्हें कण परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत छोट था बहुत छोट थिला तो ये मोशन नहीं करूँ इटा है टॉर्क डेली लाइफ रे जेन तुम डोर खोलू छ डोर जेन तुम ठेलु छ डोर के बुझी पाल जो डोर के जेन ठेलु छ कबाट के जेन ठेलु छाला तुम टॉर्क, बुझेगा। हाँ तो ये पाखे तुम फोर्स देव तो बहुत मान जदि भी करवा मोशन बहुत कम करवा है। बट इन्हें जदि करब इे टे फोर्स देदेव देन तुम कण होगा डोर मोशन करवा, बुझेगा। तो वीडियो पज कर आउ ए कर देख हो निजे बुझीपाल कि वाल जेन पाखे लगे पूरा जेन लगी ना एम पूरा कड़ी बुझीपार छ किटा बुझीला कि बुझीला हाँ कि नहीं पाटा गोटे है। आ गए देख टर्क डटी पढ़मु आगे सीटा से आगे चित्र करदे है। तो फास्ट पढ़मु यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे कण है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आज आगे देखमा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म सॉरी हाँ यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले कण सबू जगार इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कण रहा समान रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कण रहा बिल समान रहा, बुझेगा कण रहा इलेक्ट्रिक फील्डा समान इलेक्ट्रिक फील्ड सबुरे समान इन्हें भी इन्हें भी इन्हें भी इन्हें भी
बुझीला। ओके तो दुईटा चार्ज अच्छे गोटे तुम प्लस क्यू आ गोटे तुम माइनस क्यू बुझीला। तो दुईटा चार्ज अच्छे पे इलेक्ट्रिक फील्ड भितर दुईटा जॉइन कर दूँ। डिस्टेंस के देख डिस्टेंस के डिस्टेंस तुम टू एल तो मन कर ना देली ए बुझीला ना देली ए आ ना देली बी ना देली है बी बी एंगल के आगे डिस्टेंस कवर कर दूँ। डिस्टेंस है टू एल गोटे एंगल हो एंगल है मन कर थीटा धरल एंगल कौन है थीटा धरल। तो तुम्हें आम जानी पीले ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू क्यू सॉरी एफ बाय क्यू फोर्स बाय चार्ज आम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी तो इन फोर्स के लगवा फोर्स के लगवा फोर्स के लगवा देख पीले जेहेतु पॉजिटिव चार्ज अच्छे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेन आड़े जो छे फोर्स भी से आड़े जीवा माने इड़े तुम्हार क्यूई हवा कण क्यूई हवा ये जेहेतु नेगेटिव चार्ज अच्छे तो माइनस क्यूई हवा जेहेतु ओपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ओपोजिट रे अच्छे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इड़े जो छे किनाड़े इड़े जो छे तो माइनस ई केन हवा ओपोजिट इड़े जीवा फोर्स बुझिपार इलेक्ट्रिक फील्ड ओपोजिट जीवा तो माइनस क्यूई ताला फोर्स तो यू बाट फोर्स क्यूई इड के जाला इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इटा ओपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ओपोजिट रे गला एफ इज इक्वल टू माइनस क्यूई ए बुझीला। ओके एबे नेट फोर्स के देखमा देख नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इन जीरो हवा क्या जीरो हवा जेहेतु ई इनके जो छे ई इनके जो छे बुझीपाल कि तुम जे थी दुई किलोमीटर फेर फ्री कर दुई किलोमीटर हे मैंने कण हवा जेनता डिस्प्लेसमेंट जीरो सीने भी हेती तुम्हें गोटे जिनके ठेली थ फिर सीटा के फिर धरी आनब से जगह के मैंने कण हाला फोर्स तो जीरो हाला तो एफ नेट इज इक्वल टू कण हवा ना क्यूई प्लस क्यूई तो फास्ट इनर क्यूई देख तो क्यूई इनर क्यूई क्या रहा माइनस क्यूई है पर डायरेक्ट कर दूँ माइनस क्यूई कर दूँ नेट माने इटा एड हवा प्लस इटा एड हवा तो इटा माइनस क्यूई है तो इक्वल टू कौन हवा जीरो तो एफ नेट इक्वल टू जीरो। तो जिते बेले नेट जीरो ही गला देख यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मन रख फोर्स नेट फोर्स जीरो हला नेट फोर्स कौन हला जीरो हला। एबे देख सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जेहेतु दुईटा इक्वल है आउ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस तो हेन्स इट गिव राइज टू ए टॉर्क ऑन ए डाइपोल। देख इड़े इटा इटा मन कर ये बाट अच्छे तुम माइनस क्यू ये बाट अच्छे तुम प्लस क्यू तो मुई फोर्स पकाली प्लस क्यू बाट इड़े बुझेगा कि फिर माइनस क्यू इड़े फिर बुझेगा कि फिर फोर्स पकाली इड़े एमती है माइनस क्यू अच्छे तो फोर्स पड़ा इड़े बुझेगा फिर एमती है देन तुम फोर्स पड़ा इड़े इलेक्ट्रिक फील्ड तो अच्छे फिर एमती है कि ये बाट माइनस क्यू रेन फोर्स पड़ा इड़े तो कण है देख कण है रोटेसन है कि नहीं जदि रोटेसन है मैंने कण है टर्क है टर्क बुझिपाल टर्क है तो टर्क फर्मूला पकाम रोटेसन है बाट फोर्स पॉजिटिव चार्ज बाट माइनस क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू आड़े फोर्स बुझीला कि नहीं तो एमती कण है रोटेसन है बुझिपाल जिते बिल रोटेसन आसवा से टर्क प्रड्यूस हाँ सो टर्क फर्मूला आम कण जानसु टर्क 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 फर्मूला है मैग्नीच्यूड ऑफ आयतर फोर्स मैग्नीच्यूड ऑफ फोर्स लिख फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस यहाँ आम जानी छो टू फोर्सेस। अच्छा मैग्नीच्यूड ऑफ आयदर फोर्स तो मैग्नीच्यूड नहीं जो जो माइनस क्यू हो कि क्यूई हो फोर्स कण है मैग्नीच्यूड एखा नमु तो कण है क्यूई है। अच्छा एबे आम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस रो करमु तो परपेंडिकुलर चल करूछा
तु इन गोटे काण परपेंडिकुलार करबी हला इन गोटे काण करबी परपेंडिकुलार करबी फिर जिन इ चार्ज नहीं अच्छे यहाँ के मुई पचाड़के नेबी हला जिन क्यू अच्छे से मुई पचाड़के नेबी हला पचाड़े टी बढ़े देबी बढ़े देली तो ये जदि ठीटा हला बोले ये भी ठीटा हवा बुझी पार ये जदि ठीटा हला माने कण हवा ये भी ठीटा हवा बुझेला हाँ कि नहीं तो ठीटा ये हला माने कण हला कर्ण हला बुझी पार लो ये हला एच हला कण हला एच हला छुट कर लिखी दूचे ई हला बी हला बेस ई हला पी हला हाइट एच हला बी हला पी हला ना दी देनु ए एम तो ए एम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स के ए एम है बुझी हला तो ए एम रो वैल्यू बाहर करमु आ किछ नै करू तो ए एम रो वैल्यू केते देख ना मुई नि जीबि ट्रायंगल ए एम बी नि जीबि तो ट्रायंगल ए एम बी नि गली तो साइन थीटा बाहर कर भी जे तुम के ए एम दरकार तो साइन थीटा ने लेखा हवा तो साइन थीटा इज इक्वल टू काना है पी बाय एच है तो पी केते है ए एम है एच केते है बिले एच माने काना ए बी केते है टू एल है हाँ कि नहीं टू एल है सो ए एम इक्वल टू केते हवा केते हवा टू एल साइन थीटा हवा कि बुझेला हाँ कि नहीं सो ए बी जगह रे डायरेक्ट टू एल डिस्टेंस टू एल एच केते है ए बी माने केते है टू एल है बुझेला हाँ कि नहीं देख क्यूई के तो क्यू लिखली ए एम रो वैल्यू के टू एल साइन थीटा है अच्छा एवं आम जानूँ डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट पी जी गलू कण है चार्ज इंटु डिस्टेंस चार्ज है क्यू आउ डिस्टेंस है टू एल ये जानी सो जिन क्यू टू एल अच्छे क्यू टू एल अच्छे मुझे पी लिखी पार्बी इ के ये लिखली देन साइन थीटा पी साइन थीटा है टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा बुझेला जेहेतु साइन थीटा अच्छे जदि वेक्टर फॉर्म रे लिखबी जदि वेक्टर फॉर्म रे लिखबी साइन थीटा हेले काना हेसी क्रॉस हेसी आउ तुम डॉट थिले कॉस थीटा हेसी कॉस थीटा अच्छे माने डॉट और जदि साइन थीटा अच्छे माने क्रॉस तो जेहेतु साइन थीटा अच्छे माने काना हवा क्रॉस हवा माने टॉर्क इक्वल टू तुम काना पी क्रॉस ई पी क्रॉस ई एति बुझी पाल ए चलो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने इड़े इलेक्ट्रिक फील्ड थी इड़े इलेक्ट्रिक फील्ड थी इड़े इलेक्ट्रिक फील्ड थी बुझ पार तो चलो तुमके जो क्वेश्चन जो मेनसन करुचे जे नहीं तुम्हें खाली यूनिफॉर्म टॉर्क बाहर कर बोलचे देन तुम खाली यूनिफॉर्म बाहर कर जो खाली फोर्स एंड टॉर्क बाहर कर बोलचे आज जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पड़े लॉन्ग क्वेश्चन बोले तुम बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का बाहर कर चलो नोट टिके देखि दिवजे इटा तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नोट पिले पचानी कह सार नोट दिवन बोल तुमक नोट देखे दूचे है लास्ट के भी आर थे भलसे देखीदेवी है तो फास्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखीद तुमके नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नोट रू ही बुझीदेवी क्या कहीं थ्योरी टाइप रे बुझीला देख ल लिख लो लिख लो तापर एबे देखो पिले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे पढ़ना तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे काना होची देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन एडिशन टू टॉर्क इट एक्सपीरियंस एट ए नेट ट्रांसलेटोरी फोर्स हवा तो इन्हें कहना नेट ट्रांसलेटोरी फोर्स हवा ऑन द डाइपोल बिकज कहीं जी ना द फोर्स एक्टिंग ऑन टू एंड्स दुईटा एंड तो थी तुम डाइपोल रो किंतु नॉट एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट इक्वल नहीं हुए आउ अपोजिट नुहे कहीं जी नहीं हुए कहीं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे अच्छे के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान नहीं ना बुझीपाल से जेहतु इलेक्ट्रिक फील्ड समान थिला तो तुम कण होता ना इक्वल एंड अपोजिट होता बुझीपार बट इन्हें इक्वल नहीं हुए सेने का जीरो आसाला नेट फोर्स बट इन्हें नहीं आसी तो देख तार कंपोनेंट मैंने बाहर करमु जेहतु नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कण एक्स वाई एक्स एक्सीस वाई एक्सीस जेड एक्सीस अच्छे
सेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बुझिपाल। आउ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो जान लो सब आड़े सामान थी बुझिपाल। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले कौन जी एक्स एक्सीस वाई एक्सीस कि जेड एक्सीस भी जीवन। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंता अच्छे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बुझिपाल। तो लेट ई एक्स ई वाई एंड ई जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पोजिशन ऑफ माइनस क्यू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। तो दुईटा चार्ज अच्छे मन कर ये माइनस क्यू आईटा है तुम प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यूर कंपोनेंट मन देख माइनस क्यूर तार कंपोनेंट मन बाहर कर जेहतु ये क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे तो तुम कंपोनेंट मन कौन हवा ना ई एक्स हवा बुझिपाल ई एक्स हवा तापर ई वाई हवा आउ ई जेड हवा लिखिदेनु से बोले तुम प्लस क्यूर कौन हवा कंपोनेंट मन देख प्लस क्यूर कंपोनेंट मन कौन ई एक्स डैक्स हवा ई एक्स डैक्स हवा ई वाई डैक्स हवा एंड ई जेड डैक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पोजिशन एट प्लस क्यू चार्जेस ऑफ डाइपोल। तापर ई एक्स डैक्स हला ई वाई डैक्स हला ई जेड डैक्स एटा तो कंपोनेंट मन जिते भी तुम जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम कौन बाहर करब कोऑर्डिनेट बाहर करब बुझिपाल हाँ कि नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट बाहर करमु चलो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस क्यू एच एक्स वाई जेड। तो तुम माइनस क्यू रो कोऑर्डिनेट ये सर्टकट रे लिखी दे बुझिपार है कोऑर्डिनेट माइनस क्यूर कोऑर्डिनेट कौन हवा एक्स वाई जेड हवा से बोला प्लस क्यूर कोऑर्डिनेट कौन हवा देख तो प्लस क्यूर कोऑर्डिनेट हवा एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई आउ जेड प्लस डेल जेड हवा माने किसीटा चेंज हवा एक्स रे कौन हवा एक्स प्लस डेल एक्स हवा वाई प्लस डेल वाई हवा एंड जेड प्लस डेल जेड हवा किसी चेंज हवा है एक्स रे माइनस क्यू रे एक्स अच्छे प्लस क्यू रे डेल एक्स एड हवा माने किसीटा चेंज होला। अच्छा द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एट प्लस क्यू सो ई एक्स डैक्स इक्वल टू माने एबे काना तमर प्लस क्यू कंपोनेंट बाहर करमु एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एट प्लस क्यू। तो ई एक्स डैक्स इक्वल टू कौन हवा देख ई एक्स डैक्स इक्वल टू कौन हवा ना तमर ई एक्स डैक्स इक्वल टू इटा आम कहना एक्स कंपोनेंट रखे बाहर कर गोटे एक्स कंपोनेंट जो बाहर कर स्थान बोले सिमिलरली वाई कंपोनेंट आउ जेड कंपोनेंट भी हमती हाँ लिखीदेम। तो फास्ट आम एक्स कंपोनेंट का बाहर करूँ तो देख ई एक्स डैक्स मैंने कहना प्लस क्यू चार्ज रे नहीं छू एक्स डैक्स तो जिन प्लस क्यू चार्ज का कौन है ना ई एक्स प्लस चेंज इन ई एक्स ड्यू टू चेंज इन कोऑर्डिनेट्स बुझिपार हाँ कि नहीं माने ई प्लस क्यू चार्ज का जी प्लस क्यू चार्ज का कौन है माइनस ये तो माइनस क्यू है ना ये प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू कौन हवा ना ये माइनस क्यू रो तुमर कंपोनेंट इटार कंपोनेंट प्लस इटार कोऑर्डिनेट बुझिपार्छ इटार कोऑर्डिनेट के आम कौन करमु ना एड करमु सो ई एक्स डैक्स इज इक्वल टू कौन ना ई एक्स प्लस कौन हवा ना ई एक्स बाय डी एक्स इंटु डेल एक्स बुझिपार ना उथ रेस्पेक्ट टू किसीटा टिके चेंज हो बोलिकर आम लिखिदेमु बुझिपाल कि नहीं हाँ कि नहीं तो टे तुमको कौन मन रख पाखे पड़वा सो डेल ई एक्स बाय ड ई एक्स बाय ड एक्स इंटु डेल एक्स बुझिपाल इटा तो कौन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स कौन है कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ना जेहतु चेंज हो सो ड ई एक्स बाय ड एक्स इंटु डेल एक्स प्लस से बोले यहाँ वाई रे बोले यहाँ जेड र बट ई एक्स ई एक्स ई एक्स शाखा हाँ क्या एक्स कंपोनेंट बाहर करूँ बुझेगा। तो देयर फॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन एक्स डायरेक्शन तो देख एक्स डायरेक्शन देख तुम्हें मन पका हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे फोर्स नेट कौन होता जीरो होता जो सर्ट क्वेश्चन पड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे नेट फोर्स कौन है जीरो बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे जीरो नहीं हुए बुझिपाल। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे फास्ट ई डैक्स कौन क्यू ई माइनस क्यू ई करूँ बट इना क्यू ई डैक्स माइनस क्यू ई हवा बुझिपाल क्या जी की यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू के तो क्यू लिख ली ई
ई एक्स डैक्स केते बाहरी छे एतकी बाहरी छे तो एतकी लिखि देली बुझि पालो देन माइनस क्यू ई के माइनस क्यू ई लिखि देली ना माइनस क्यू ई लखाई छे लानी दिसबा देखो एबे दिसला माइनस क्यू ई लिखि दबो माइनस क्यू ई बुझि आला त प्रैक्टिस रे करबो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहला अच्छा वे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू तापर जेना डायरेक्शन टिकट लिखली बुझि पालो ना डायरेक्शन टिकट लिखली जेना कि तमर डायरेक्शन टिकट लिखली आई डायरेक्शन रे ड ई एक्स बाय ड एक्स प्लस ड वाई बाय ड वाई जे डायरेक्शन ड एक्स बाय ड जेड तमर काना के डायरेक्शन रे बुझि हला ना काना के डायरेक्शन रे बुझि हला हाँ कि नहीं सॉरी पिले ई गोटे लाइन एटा एक्सट्रा गोटे लिखी थी लाइन आखानी ना हला तो लिखिदेली देखो इतकी थिला तो क्यू एक्स इन मल्टीप्लाई कर देमु आर इन अच्छे माइनस क्यू एक्स तो कैंसल ही गला बुझी पार्ल आउ जेन क्यू इंटू जनता के हेन्ती हवा हला तो देख तो क्यू एक्स कैंसल होगा दे रहा एतकी तो देख इटा के लिखि पार्मू तुमर ये फॉर्मेट रे लिखि पार्मु केन जे लिखि पार्मु केन जे आई केप कण हेसी वन हेसी सो इटा डॉट इंटू इटा एक्स तो आई डॉट आई तो वन हेसी सो डेल ई एक्स बाय डे सॉरी ड ई एक्स बाय ड एक्स डेल एक्स हवा केन जे आई डॉट आई वन हेसी बुझि पार्ल इटा जानी छ जे डॉट जे वन हेसी के डॉट के वन हेसी देखो इटा के जदि मल्टीप्लाई करबो किनी डॉट प्रोडक्ट हिसाब से देन एतकी एखा आसबा तो इटा के ई हिसाब लिखनु एतकी है खाली बुझेला हाँ कि नहीं इन्हें बुझ पार्ल तो इन्हें किसी डाउट नहीं ना तो देखो क्यू ई एक्स मल्टीप्लाई कली से फिर सबूत क्यू जदि मल्टीप्लाई कर पार भल कता तो क्यू एक्स इनर क्यू एक्स कैनसल गला फिर आ थोड़े क्यू नहीं करू इजिकल टू एतकी फिर लिखब क्यू इन टू लिखब है बुझेला हाँ कि नहीं किसी नहीं प्राक्टिस कर लिखिजा तो इटा के मुई ई फॉर्मेट रे लिख ली अच्छा एबे देखो क्यू के क्यू लिख ली तापोरे ड बाय ड एक्स ड बाय ड वाई ड बाय ड जेड इटा कण है ऑपरेटर है तो डेल लिखी पार्बी देन ई एक्स तो सब अच्छे ई एक्स लिख ली डॉट डेल एल लिखी पार्बी बुझी पार्ल डेल इक्वल टू कण इटा है तुम डेल एल इटा है तुम कण है डेल एल है बुझेला डेल ई एक्स इटा एल आ सो डेल ई एक्स डॉट क्यू इंटू डेल एल माने चार्ज इंटू डिस्टेंस कण हेसी पी हेसी सो एतकी लिखली बुझेला सो डेल ई एक्स डॉट पी वेक्टर चिन्ह मैंने देव इटा तुम कण एफ एक्स बाहला कण बाहला एफ एक्स बुझा लगे इतकी बुझेला कण बाहला एफ एक्स एफ एक्स तो बाहर करते ना टोटल फोर्स हाँ कि नहीं तो एफ एक्स बाहर बुझेला तो बाहरला इतकी बाहरला तो इतकी देख एफ एक्स बाहरला देन एफ ऑफ वाई केते हवा से बोला डेल यू वाई ई एक्स जगह खाली ई वाई हवा अच्छा जेड केते हवा इतकी एखा हवा खाली जेन डेल ई एक्स यू वाई थिला तो जेड जेड डायरेक्शन कण हवा ई जेड एखा हवा बुझि पार्ल आम देख जानते ना टोटाल ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटाल फोर्स के आम एड करदेमु आई डायरेक्शन रे डायरेक्शन रे डायरेक्शन एफ एफ आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के तो एफ एक्स आई के पीछे नए कि एफ वाई जे के पीछे नए कि एफ जेड के पीछे नए कि बुझ पार्ल तो इतकी इतक पीथिन है अच्छा एवं कण करमु ई एक्स प्लस यू वाई प्लस ई जेड कण है एक्स वाई आर जेड डायरेक्शन कण से इलेक्ट्रिक फिल्ड एखा अच्छे तो यहाँ के कहना इलेक्ट्रिक फिल्ड लिखी पार्बी प्लस ये पी डॉट डेल लिखी पार्बी पी डॉट डेल माने कण पी डॉट डेल माने हला पी एक्स ड बाय ड एक्स प्लस पी वाई ड बाय ड वाई प्लस पी जेड ड बाय टेच है बुझेला हाँ कि तो मुई इ जगह पी डॉट डेल लिखी पार्बी बुझेला बुझेला आउ इटा है इलेक्ट्रिक फिल्ड इ है तो ये नोट देखी दिया पीले नोट इटा किसी ने प्रैक्टिस करबो हला इन्हें बुझा जिनिस किसी ना खाली प्रैक्टिस करबो।
लिख लो टा QEX हला लिख लो ये पॉइंट काटी दबो हला ते मोर भी मुई भी मनीष मोर भी भूली सी नौकरी लिखवाटा मोर द्वारा जिते हेल्प हवा पीले और भी हला इतना प्रैक्टिस कर हला पहले मुझे कंटिन्यू कह नहीं पाने दिए कहना अटकी अटकी कहला बोले जीप टी धरी देसी मोर है तो टिके मैनेज करदे है मोर कथबार्ता टी बुझिपार छो तो मैंने अटकी अटकी हो जाए ना स्कूटर बोलिए फटाफट फटाफट फट 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 स्मूथ नहीं जाए एक नहीं स्कूटर स्कूटर स्कूटी नहीं स्कूटर अंदा मोर आवाज स्कूटर बोलिए तो टिके मोर जब बिल्कुल जब बुझी नहीं टिके टिके बुझी पार भल कथा बिल्कुल बुझी नहीं पार्छ कौन कर सारा आप क्या पढ़ुन बुझे नहीं पार्बा हाँ कि नहीं ते भी तो जान भी जी नहीं मुझे पढ़ी नहीं जानवर बोली बुझी पार्छ तू हाँ कि नहीं तो मुझे भी तुमको किसी शिखबि बुझी पार्छ कि नहीं किंतु भलसे पढ़ापढ़ी कर है तो ये पढ़वा पोटेनसीआल एनर्जी अफ डाइपोल इन ए यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड तो इन्हें किसी ना प्राक्टिस करवा जिनस अच्छे नहीं किसी बुझ्वार जिनस ये ना अच्छे कितु ये कम्प्लिकेट नहीं ना सहजे अच्छे आराम से निजे पढ़कर भी बुझीपार्ब कण लिखाई देख कनसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस इन ए यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इ एट एंगल थीटा तो गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी तुम यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इ अच्छे जिन्हें एंगल थीटा अच्छे देन टर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय टर्क कण नु जिते बिल यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड थी सो टर्क इज गल क्या पी साइन थीटा तो सीटा दिव इक्वेशन वन कण करमा देख देन वर्क डन इन ए रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मल एंगल डी थीटा एग्नेस्ट द टर्क तो टर्क एग्नेस्ट गोटे वर्क डन बाहर करमु जेना कि तार एंगल है डी थीटा नेमु सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टर्क इंटू से एंगल स्मल एंगल सो टर्क इंटू डी थीटा अच्छा ए टर्क के बाहर पीई सैन थीटा सो पीई सैन थीटा डी थीटा ए टोटाल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रम एंगल थीटा वन टू थीटा टू इज गिवेन बाय तो एंगल थीटा वन टू थीटा टू के टोटाल वर्क डन हो देखमा सो आम कण इंडिकेसन करमु डी डब्ल्यू के थीटा वन रु थीटा टू बुझिपार सो डी डब्ल्यू के बाजे पी सैन थीटा डी थीटा अच्छा पी तो कन्स्टांट बुझिपाल पी कण कन्स्टांट तो बाहर के गला क्या इलेक्ट्रिक फिल्ड सबुति थिबा हो तुम डाइपोल मोमेंट पीज गलु क्यू इंटू ट्वेल्व सो सी क्यू एखा अच्छे तो कण सामान एखा थी सो साइन थी डीटा ये एक भेरिएबुल है जेहतु एंगल है एंगल एखा चेंज हाँ बुझीपाल कि इलेक्ट्रिक फिल्ड थोड़ी ना चेंज हाँ तो तुम कण एंगल एखा चेंज हाँ तो साइन थीटा डी थीटा थीटा वन रु थीटा टू साइन थीटार डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा थीटा वन रु थीटा टू तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट थीटा टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अच्छा दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द डाइपोल एज ए पोटेंशियल एनर्जी सो जिन वर्क डन अच्छे से स्टोर करवा इन द डाइपोल एज ए पोटेंशियल एनर्जी भलिया सो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कहीं तुम वर्क डन तुम पोटेंशियल एनर्जी भलिया काम करवा बुझाला सो यू इज इक्वल टू माइनस सो यू डब्ल्यू रे डब्ल्यू लिखी तुम डब्ल्यू के बीच माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन क्या ये माइनस के मुझे इडे लिखली देन पी के पी लिखली देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कली अच्छा तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है सो बसदे स्पेशल केस देख इफ द डाइपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फिल्ड जब परपेंडिकुलर है माने थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री है और थीटा टू तो हमें एखा रहा थीटा एखा नेमु सो इक्वेशन टू कण हाँ देख ना कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा थीटा वन जगह कण बसाबी 90 डिग्री बसाबी सो 90 डिग्री बसाली सो कॉस थीटा माइनस जीरो सो माइनस पी कॉस थीटा सो जेहतु कॉस थीटा माने कण डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखम माइनस पी डॉट ई बुझाला तो चलो नोट कर दियो अभी चलो लेखो लेखो लिखलो लिखलो एक नंबर जिमा चलो एबे एटा लेखो लिखलो हे पवित्र आत्मा मने लिखुछ लिखुछ चलो तापर एटा हला हो गला हेगला 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 अच्छा एबे इटा पढ़मा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर
लेट एनी इंस्टेंस ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग ऑफ चार्ज द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर मन कर अच्छे गोटे चार्ज अच्छे बुझेगा तो गोटे चार्ज अच्छे प्लस क्यू बुझेगा स्फीयर अच्छे है तो रेडियस आर डिस्टेंस ओके रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर देन चार्ज ऑन द स्फीयर ऑन दैट इंस्टेंट देख पिले आम कण पढ़ी रो इक्वल कण जानसु चार्ज डेंसिटी जो कण जानसु चार्ज बाय वॉल्यूम बुझे लगे नी सो चार्ज के क्यू है वॉल्यूम स्फीयर वॉल्यूम के पिले फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब है रो इज इक्वल टू तो आम कण चार्ज बाहर कर चार्ज सो क्यू इज इक्वल टू कण हवा यहाँ से गुणन हवा सो फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब रो हवा सो डायरेक्ट मुझे लिखीदे दिखा जी फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब रो यहाँ है तुम चार्ज ऑन द स्फीयर स्फीयर रे चार्ज अच्छे है बुझेगा एक बुझी पार अच्छा यहाँ है ओके बुझेगा नाउ कंसीडर ए स्मॉल सेल ऑफ ए चार्ज ऑफ थिकनेस डी आर इज एडेड टू द स्फीयर ऑफ रेडियस आर तो आम गोटे काण करमु ना गोटे स्मॉल आर स्फीयर गोटे बनामु आ गोटे स्मॉल स्फीयर बनामु आ गोटे काण स्मॉल स्फीयर करमु है आ गोटे स्मॉल स्फीयर करमु जहाँकि जहाँ थिकनेस है डी आर थिकनेस काण है डी आर थिकनेस थिकनेस तो थिकनेस काण है डी आर तो यहाँ है थिकनेस थिकनेस है तुम कण डी आर सो देन चार्ज कंटेन इन द सेल तो चार्ज के कंटेन करुचे बुझेगा जीतु थिकनेस अच्छे तो काण से रो इज गलु काण से फर्मूला पकामु अच्छा रो इज गलु काण क्यू बाय वॉल्यूम मैंने चार्ज बाय वॉल्यूम क्यू वॉल्यूम जीतु थिकनेस अच्छे मैंने काण हवा फोर पाए आर स्क्वायर डी आर बुझेगा कि फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो इज इक्वल टू सो क्यू इज इक्वल टू काण हवा गुणन हो जा फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो यहाँ तुम क्यू यहाँ तुम कण है क्यू है तो वर्क डन इन एडिंग चार्ज यहाँ है फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो टू द स्क्वायर कंटेनिंग चार्ज फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब रो इज गिवन बाय सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कण ना पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इंटू फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो बुझेगा अच्छा एबे पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर मैंने वर्क डन इज इक्वल टू बुझेगा नहीं वर्क डन फॉर्मूला मन रख ना पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इंटू फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो अच्छा एबे इटा वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन जीरो इंटू पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ रेडियस आर माने काना क्यू क्यू बाय डिस्टेंस मुझे लगे नहीं सो वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन इंटू क्यू के बाहर क्यू के बाहर देख फास्ट क्यू के बाहर फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब रो बाहर लिख ली देन डिस्टेंस आर देन इंटू फोर पाए आर स्क्वायर डी आर रो सो डी डब्ल्यू जी गलू कण है देख फोर बाय थ्री बुझे लगे एप्सिलॉन जीरो क्या फोर फोर गोटे कैनसल है दुई फोर रहा फोर के फोर लिख ली बुझेगा हाँ के देन थ्री के थ्री लिख ली एप्सिलॉन जीरो लिख ली बुझेगा ओके इनर पाए कैनसल है तो आर गोटे पाए रहा बुझेगा इटा गोटे रो इटा गोटे रो रो स्क्वायर बुझेगा इटा आर क्यूब है पिले हाँ के नहीं तो इनर आर गोटे कैनसल रहा तो इनर गोटे आर रहा तो इनर आर क्यूब आर इनर आर कण आर टू दी पावर फोर हवा बुझेगा हाँ कि नहीं ए काना डी आर के डी आर लिखी यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक बुझी पार देन टोटल वर्क डन इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय तो टोटल वर्क डन जेन स्फीयर ऑफ रेडियस आम कैपिटल आर नेमु बुझी पार कि नहीं टोटल रेडियस आर रण ने मुई आर ने माने आर टू जीरो टू आर इक्वल टू कैपिटल आर ने बुझेगा तो जीरो टू आर नेली है जीरो टू आर नेली सो इंडिकेशन रे बसीदेवी जीरो टू आर तो फोर पाए थ्री एफ सालन जीरो रो स्क्वायर कण है कन्स्टाट है बाहर के जीवा खाली रेडियस आखा फेरिए बोले रेडियस खाली चेंज हाँ कि नहीं तो इंटीग्रेशन कल इंटीग्रेशन कर जान तो इंटीग्रेशन कल है ओके ये देख बुझेगा इंटीग्रेशन कर जानब एन टू दि पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन पढ़वा बुझेगा कि नहीं एक्स टू दि पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स टू दि पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दि पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन पड़वा बुझेगा। ओके चल ए देख फोर पाय बाय फिफ्टीन एप्सिलॉन जीरो रूट स्क्वायर टू दि पावर फाइव हाँ बुझेगा। एबे टिके इटा के आमे काण करमु ना टिके मॉडिफाई करी करी लिखमु काण करमु टिके मॉडिफाई करी करी लिखमा। अच्छा केंदा करमा ना थ्री गुटे काण करमा ऊपर गुटे आ तले गुटे करमा हला तो इटा देख मुझे लिखी पार्छे थ्री बाय फाइव वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन जीरो आर बुझेगा हाँ कि नहीं बुझेगा इतक बुझेगा। ओके एबे इटा के लिखी देख फोर बाय थ्री थ्री गोटे कली उपरे तले गोटे कली देन पाए आर क्यूब रो रो स्क्वायर कर पार्बि बुझेगा हाँ कि नहीं इतक बुझी पार्ल इटा के मुई ई हिसाब लिखली ई हिसाब मुई लिखली इतक बुझेगा कि डाउट अच्छे इतक बुझी पार्ल नहीं सार बुझी नहीं पार्ब सार बुझी नहीं पार्ब देख पी इटा स्क्वायर अच्छे ना तो इटा देख मुझे कर सिंप्लीफाई देख क्या अच्छे थ्री बाय फाइव अच्छे हाँ पी थ्री बाय फाइव अच्छे सैड रखली कर दूसरे पूरा अच्छे। ओके वन बाय फोर पाय एप्सिलॉन जीरो आर अच्छे देन फोर बाय थ्री किंतु पाय आर क्यूब रो रो स्क्वायर अच्छे इतनी अच्छे। अच्छा थ्री बाय फाइव इंटू वन बाय फोर पाय एप्सिलॉन जीरो आर इंटू फोर बाय थ्री इंटू फोर बाय थ्री सो पाय इंटू पाय जेहेतु स्क्वायर अच्छे आर क्यूब इंटू सिक्स इंटू रो स्क्वायर। ओके हाँ कि नहीं देख आम किन के इनके एखा आसबार अच्छे एतकी के आम कण कर हिसाब से लिखीछू देख इटा के आसूचे पाए से पाए गोटे मर गया फोर से फोर गोटे मर गया। ओके बुझी पार्ल इटा गोटे आर इटा गोटे आर मान कण है आर टू दि पावर फाइव है ये पाखे रखली एतक बुझीला हाँ कि नहीं इनर गोटे थ्री कैनसल है तो फोर के फोर लिखली पाए गोटे अच्छे पाए लिखली बुझेगा आर टू दि पावर फाइव जेहतु इनर आर गोटे इनर गोटे कैनसल आर टू दि पावर फाइव दे रो स्क्वायर के रो स्क्वायर बुझेगा देन इटा फाइव आउ इटा थ्री के पंद्रह देन इटा एप्सिलॉन जीरो अच्छे सो एप्सिलॉन जीरो तो देख एतक आसला कि नहीं आसर पिली एतक आसला कि नहीं आसर तो इटा के जस्ट मुझे काण कली ई हिसाब से लिखली बुझी पार्ल के हिसाब से लिखली तो मन हित आज ई हिसाब से लिखली बुझेगा क्या जी लिखली जे आगे जानव देख थ्री बाय फाइव के थ्री बाय फाइव लिखली। अच्छा इटा कण है क्यू ए इटा कण है क्यू ए देख क्यू ए क्यू ए खाली कैपिटल आर अच्छे बुझीपाल जेहतु कैपिटल आर नहीं छूँ आम एज्यूम कर तो इटा कण है क्यू ए तो इटा जगह मुझे कण लिखी क्यू स्क्वायर खाली लिखली बुझेगा हाँ कि नहीं क्यू इज इक्वल टू एतक तो इटा लिखब तो कण है हेन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्पेयर इज थ्री बाय फाइव क्यू स्क्वायर बाय फोर बाय एप्सिलॉन जीरो आर बुझेगा हाँ कि नहीं तो चलो नोट लिखी दि चलो 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 हला 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 तो सब खुश रे रहो पिले बिंदास रे रहो पूरा भल से प्रैक्टिस करो बुझेला नहीं पूरा भल से प्रैक्टिस करो पूरा दमदार पूरा कॉन्फिडेंस आसबा तक प्रैक्टिस करो आ जदि बुझी पार देन कमेंट करो सर बुझेगा बोलकर जो बुझी नहीं आबार कि जहाँ भी असुविधा हाँ देन कमेंट करो सर ये असुविधा होगा तो चलो।
जय जगन्नाथ।